फ्रेंड्स, आज लौकी मूंग दाल की सब्जी बनाऊंगी। तो ये लौकी अभी मैं छिलके लेती हूँ और फिर इसको काटूंगी। अब मैं इसको धो के लेती हूँ, फिर इसको ना काटूंगी। ये देखिए, मैं लौकी ऐसी काट रही हूँ, ऐसे करके मैं पूरा काट लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने लौकी सब काट ली, ये देखिए ऐसा। अब मैं सब्जी बैठाऊंगी इसकी। फ्रेंड्स, ये जीरा, कलौंजी और ये मेथी दाना थोड़ा सा तेल में डालती हूँ। ये दो मिर्ची, अब मैं इसमें ये छोटा कटिंग किया हुआ प्याज डालती हूँ। इसको हल्का फ्राई करके फिर थोड़ा सा अदरक है, हल्दी डालती हूँ। अब ये लौकी डालती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये मूंग दाल डालती हूँ। ये भीगी हुई मूंग दाल है, बहुत अच्छी बनती है। आप भी एक बार बनाइए, बना के खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है ये लौकी मूंग दाल। इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है और ख़ास करके जैसे मूंग दाल सभी खाते हैं, मूंग दाल में कोई नहीं होती है, कुछ तकलीफ नहीं होती है। लौकी भी ठंडी सब्जी है, इसमें बहुत ये सब्जी बहुत अच्छी रहती है। लौकी एक आधा चम्मच धनिया की पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है। सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ, 7-8 मिनट ढक के रखूंगी, उसके बाद फिर से इसको खोल के थोड़ा सा हिला दूंगी। फ्रेंड्स, देखिए सब्जी जो आधी पक गई, मतलब आधी से आधी ज़्यादा पक गया। अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा शुगर दूंगी। सब्जी का जो एक बराबर स्वाद रहता है ना, वो बनता है थोड़ा सा शक्कर डालने से, मतलब चीनी डालने से। थोड़ा सा मैगी मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा शुगर, चीनी, इससे सब्जी का बैलेंस जो है ना एकदम बराबर रहती है। इसके लिए मैं ये डालती हूँ, बाकी ऐसा कुछ मसाले के हिसाब से नहीं। ये सब्जी एकदम रेडी है फ्रेंड्स, ये देखिए। एक 20 मिनट में बन जाती है सब्जी, इतना भी कुछ ही नहीं है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालती हूँ, अभी आज दोपहर की लंच है ये। ये फ्रेंड्स कितनी मस्त बनी है, खाने में जितनी खूबसूरत देखने में उतनी खाने में अच्छा लगेगा ये। चलिए आप भी बनाइए, मैं तो बना दी आज।